हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन और आज की वीडियो है केस हार्डनिंग के प्रोसेस में। तो जो केस हार्डनिंग के ही ट्रीटमेंट प्रोसेस है, मैं उनमें से तीन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग का मतलब पहला एक खुद का एक केस हार्डनिंग का प्रोसेस है, जिसमें तीन तरह के कार्बोराइजिंग प्रोसेस होते हैं। पहला होता है पैक कार्बोराइजिंग, दूसरा होता है लिक्विड कार्बोराइजिंग और तीसरा होता है गैस कार्बोराइजिंग। तो पैक कार्बोराइजिंग के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है मेटल्स टू बी कार्बोराइज सच एज लो कार्बन स्टील। जितने भी कार्बोराइजिंग के प्रोसेस है उसमें ज़्यादातर जो कार्बोराइजिंग होती है वो लो कार्बन स्टील पे होती है। लो कार्बन यानी जिनके अंदर 0.05 से लेके 0.3% तक कार्बन होता है। स्टील इज प्लेस इन कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के बॉक्स में रखा जाता है, ठीक है। कंटेनिंग रिच मटेरियल इन कार्बन लाइक चारकोल, क्रस्ट बोन्स, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और चैरिड लेदर, ये सारे उस कास्ट आयरन के बॉक्स में होते हैं, ठीक है। सच बॉक्सेज आर मेड ऑफ हीट रेजिस्टेंट स्टील, जो बॉक्स होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट स्टील के बने होते हैं। विच आर क्लोज एंड सील्ड बाय विथ क्ले, मतलब मिट्टी से उनको बंद कराया जाता है। लॉन्ग पार्ट्स टू बी कार्बोराइज्ड कैप्ट वर्टिकली इन बॉक्सेज, और जो लंबे पार्ट होते हैं उनको वर्टिकली रख देते हैं बॉक्सों के अंदर। द बॉक्स आर हीटेड टू अ टेम्परेचर 900 to 950 डिग्री सेंटीग्रेड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ स्टील फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन ऑन द आउटर सर्फेस। और जैसा हमारा स्टील होता है उसके हिसाब से टेम्परेचर वेरी करता है, लेकिन नॉर्मल 900 से लेकर 950 के बीच में टेम्परेचर है, ठीक है। द कार्बन एंटर्स ऑन द मेटल ऑफ द मेटल टू फॉर्म अ सॉलिड सॉल्यूशन विथ आयरन एंड कन्वर्ट्स द आउटर सर्फेस इनटू हाई कार्बन स्टील। इसमें होता क्या है, जो कार्बन है वो मटेरियल के आउटर सर्फेस में एंटर कर जाता है, किस स्टेट में, सॉलिड सॉल्यूशन स्टेट में। इसमें होता क्या है, जो हमारा आयरन होता है उसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो वॉइड्स होते हैं उस वॉइड्स में जो कार्बन होता है उसके एटम जाके वहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है। और उससे जो उसकी सरफेस होती है उसमें जो कार्बन की मात्रा जाती है हाई हो जाती है। कंसिक्वेंटली पैक हार्डेंट स्टील पीस हैव कार्बन कंटेंट अप टू 0.8%, मतलब इतने परसेंट तो जाती है, कहाँ वो 0.05 से लेके 0.03 तक था, अब सरफेस पर कितनी हो गई आउटर के साथ। आफ्टर दिस ट्रीटमेंट द कार्बराइज्ड पार्ट आर कोल्डेड इन बॉक्सेस, और फिर उसको बॉक्स के अंदर ही ठंडा कराया जाता है, ठीक है। ओनली प्लेन कार्बन स्टील, यानी कि जो प्लेन कार्बन स्टील होता है उन्हीं को कराया जाता है, यानी कि एलॉय कार्बन स्टील इन सबको नहीं कराया जाता। इन दिस प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द आउटर स्किन एंड रिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर टू मेक इट सॉफ्ट एंड टफ स्मॉल, मतलब इसको सॉफ्ट बनाने के लिए और टफ बनाने के लिए कराया जाता है, ताकि जो अंदर का जो हमारा कोर है वो सॉफ्ट और टफ रहे और जो बाहर का सर्फेस है वो हमारा हार्ड हो जाए। स्मॉल गियर के एग्जाम्पल पे तौर पर हम लेते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस होता है इसमें, मतलब और कई सारे प्रोसेस बताए नहीं गए। स्मॉल गियर्स आर केस हार्डेंड बाय दिस प्रोसेस फॉर विच दे आर इनक्लोज इन द कास्ट आयरन स्टील बॉक्स कंटेनिंग मटेरियल इन रिच कार्बन, जैसे हमने बताया गया यहाँ पर। एज स्मॉल पीस ऑफ चारकोल एंड देन हीट टू अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी जो हमारा टेम्परेचर बता दिया इसने, नॉर्मल एनीलिंग टाइप का ही होता है। इससे जो हमारी हार्डनेस की डेप्थ पड़ती है वो हमारी 0.8 से लेके 1.6 mm तक की होती है, 3-4 घंटे के अंदर अटेन हो जाती है। द गियर्स आर देन अलाउड टू कूल स्लोली विद इन द बॉक्स, जैसे कि बताया गया था इस बारे में, एंड रिमूव्ड। और फिर सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ री हीटिंग, फिर दोबारा से इसको गर्म करते हैं गियर्स को टू 900 डिग्री सेल्सियस दोबारा से, एंड देन क्वेंच इन ऑयल, फिर ऑयल में करते हैं, सो दैट द इट स्ट्रक्चर इज रिफाइंड एंड ब्रिटलनेस रिमूव, ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है रिफाइन हो जाए, जो ब्रिटलनेस है वो निकल जाए और कोर हमारा क्या हो जाए, टफर बन जाए, सॉफ्ट बन जाए। द मेटल इज देन री हीटेड, दोबारा से हीट करते हैं 700 डिग्री तक एंड क्वंच कर देते हैं वाटर में, वहाँ पर ऑयल में कहता है, यहाँ पर वाटर में, सो दैट द आउटर सर्फेस ऑफ द गियर विच हैड बीन रेंटेड, जो इस वाले प्रोसेस में सॉफ्ट कर दिया गया था वो दोबारा से क्या हो जाए, प्रिसीडिंग ऑपरेशन में दोबारा से क्या हो जाए, हमारा हार्ड हो जाए। और एक और यहाँ पर नोट क्या कर रहा है, मेटल इज अंडरगोन रैपिड क्वेंचिंग टू लॉक द कार्बन इनसाइड द स्ट्रक्चर, और जो हम बार बार इसमें क्वेंचिंग कर रहे हैं, बार बार रीहीट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं जो कार्बन हमारा है वो उस आयरन मैट्रिक्स के अंदर लॉक हो जाए। अब दूसरा प्रोसेस है लिक्विड कार्बोराइजिंग, इसमें जो था पैक कार्बोराइजिंग में, इसमें मतलब सॉलिड स्टेट में लिया हमने जो हमारा कार्बन कंटेंट था, अब इसके अंदर जो हम लेंगे लिक्विड कार्बोराइजिंग में, लिक्विड स्टेट में लेंगे। लिक्विड कार्बोराइजिंग इज कैरिड आउट इन अ कंटेनर फिल्ड विद मोल्टन सॉल्ट, मोल्टन सॉल्ट यानी कि हमारा सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट या सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब होगा, एज सोडियम साइनाइड। दिस बाथ इज हीटेड बाय इलेक्ट्रिक इमर्सन एलिमेंट और बाय गैस बर्नर और स्टीरिंग, नॉर्मल जिस तरीके से भी इसको गर्म करना, इज डन टू एंश्योर यूनिफॉर्म टेम्परेचर, ताकि जो टेम्परेचर वो यूनिफॉर्म रहे। दिस प्रोसेस गिव्स अ थिन हार्डेंट लेयर 0.08 mm थिकनेस की तक दिखाता है ये,
पार्ट्स विच आर टू बी केस हार्डेंट, और जो पार्ट्स केस हार्डन करने हैं उनको डिप कराया जाता है इनटू लिक्विड बाथ सॉल्यूशन, जो बाथ अनिवार्य सॉल्यूशन का, उसमें जो कंटेंट होते हैं जो कि करते हैं इसको मेनली हार्ड, वो होते हैं हमारा कैल्शियम साइनाइड एंड पॉलीमराइज हाइड्रोसाइनाइड एसिड, सोडियम और पोटेशियम साइनाइड अलॉन्ग विद सम सॉल्ट, सॉल्ट का जो मैंने बता दिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सिलिकॉन कार्बाइड। बाथ इस टेम्परेचर कैप फ्रॉम 815 टू 900 यानी 800 से 815 से लेकिन 900 के बीच में रखा जाता है। द फर्नेस इज यूजुअली कार्बन स्टील के स्पॉट, जो हीट रेजिस्टेंस होता है, विच मे बी फायर्ड आदर बाय ऑयल गैस एनीथिंग इफ ओनली सिलेक्टेड पोर्शन इज, अगर कोई ओनली सिलेक्टेड पोर्शन ही हमें हीट करना है तो जैसा हमारा ये पैक कार्बोराइजिंग था उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हमें मतलब हार्ड नहीं करना है उसको हम क्या कर देंगे, कॉपर की प्लेटिंग कर देंगे। सेम वैसे ही लिक्विड में भी है, उसमें भी कॉपर की प्लेटिंग कर देंगे। ऑफ द कंपोनेंट आर टू बी कार्बोराइज्ड देन रिमेनिंग पोर्शन आर कवर्ड बाय कॉपर प्लेटिंग, से मैंने बताया कॉपर की प्लेटिंग लगा देंगे वहाँ पर तो वो वाला पार्ट हमारा हीट नहीं होगा। देर आर सम एडवांटेज है इसी को से एडवांटेज इस प्रोसेस की, ग्रेटर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन पॉसिबल इन दिस प्रोसेस, सेलेक्टिव कार्बोराइजिंग इज पॉसिबल, मतलब जहाँ चाहिए वहाँ पर हो सकता है, यूनिफॉर्म हीटिंग करते हैं इसके अंदर, लिटल डिफॉर्मेशन आता है, डिस्टॉर्शन आता है, ईज ऑफ कार्बोराइजिंग ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, इट्स टाइम सेविंग, टाइम सेविंग बहुत होता है, 3-4 घंटे में हो जाता है। पार्ट्स लीव बोथ विद अ क्लीन एंड ब्राइटर फिनिश, और जो फिनिश आती है वो इसकी अच्छी होती है, सो मतलब काला कूला ऐसा कुछ नहीं होता। देर इज नो स्केल, और इसके अंदर जो एक खास बात है कि इसमें स्केल नहीं आता, मतलब साइज बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं होता पैक कार्बोराइजिंग में, बाकी गैस कार्बोराइजिंग होता है। दूसरा प्रोसेस है गैस कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग दिस मेथड कैन बी यूज इन मास प्रोडक्शन, ये जो मेथड है वो मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, हालांकि और भी करे जा सकते हैं लेकिन ये वाला किया जा सकता है बड़े स्तर पर, क्योंकि पार्ट्स जो है इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स ज़्यादा डाले जा सकते हैं। इन गैस कार्बोराइजिंग मेथड द पार्ट टू बी गैस कार्बोराइज आर सराउंडेड बाय हाइड्रोकार्बन गैस इन फर्नेस, द कॉमन कार्बोराइज गैसेज आर मीथेन, ईथेन, जो भी हमारा कार्बन की सीरीज में आता है सारे के सारे, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड आर यूज इन दिस प्रोसेस। कार्बन कंटेनिंग गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मैंने बताया सारे सारे गैसेज, और टाउन गैस, टाउन गैस होता है हमारा कोल गैस, ठीक है, जो कि ब्यूटेन को जलाने से निकलता है, ये भी कोल गैस है जो मैंने बता दिया वहाँ पर। इज इंट्रोड्यूस इन द फर्नेस वेयर लो कार्बन स्टील, जैसे बताया लो कार्बन स्टील को ज्यादातर है यहाँ पर टारगेट किया जाता है। इज प्लेस्ड द फर्नेस, द फर्नेस इज आइदर गैस फायर्ड और इलेक्ट्रिक हीटेड। एवरेज गैस कार्बोराइज टेम्परेचर इज यूजली 870 to 950 यानी 870 से लेकर 950 के बीच में रखा जाता है। थिकनेस ऑफ केस हार्डन पोर्शन अप टू 11 mm कैन बी इजिली ऑप्टेन बाई 6 आवर, और 11 mm तक की हार्डनेस हम सिर्फ 6 घंटे में ले सकते हैं। द कार्बोराइज पार्ट्स कैन री ट्रीटेड आफ्टर कार्बोराइजिंग, जो कार्बोराइड पार्ट्स कैन बी हीटेड आफ्टर कार्बोराइजिंग, मतलब ये क्या है, बस इसमें मतलब कार्बन को ये इंड्यूस करता है मेटल के सर्फेस पर, फिर दोबारा से हम उसको रीहीटेड करते हैं ताकि जो कार्बन उसके अंदर चला गया है वो उसमें लॉक हो जाए, जैसे हमने पिछले वाले पोर्शन में किया था। अब उसमें होता क्या है, कंपोनेंट को क्वेंच करते हैं ऑयल के अंदर, जैसे पिछले वाले उसमें क्या था प्रोसेस में, आफ्टर कार्बोराइजिंग एंड देन हीट अगेन टू फॉर्म फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, दोबारा से फिर गर्म करते हैं ताकि ऑस्टेनाइट बन जाए, और फिर दोबारा से उसको वाटर के अंदर क्वेंच करते हैं कि मार्टनसाइट बन जाए। तो दिस गिव्स मैक्सिमम टफनेस ऑफ द कोर, इससे कि जो हमारा कोर था बहुत टफ हो जाता है, हार्डनेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है।